कर पाएंगे। बलवंत जी, और अगर ज्वाइंट होम लोन ले रखा है हस्बैंड वाइफ ने, तो उसमें कुछ एडिशनल छूट की एक्सपेक्टेशन है इस बार नए नियमों के मुताबिक? हाँ, उस नहीं, 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 इसमें कोई नियम नहीं बदले, नियम पुराने ही है। उसमें ऐसा है कि अगर आप जॉइंट ओनर है और आपने जॉइंट को बोरोर है, तो आपका जो अपना शेयर है, दोनों को अपना अपना जो अपनी जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में बताना पड़ेगा। जहां तक प्रश्न इंटरेस्ट क्लेम का है, तो इंटरेस्ट क्लेम का डिपेंड करेगा कि आपका जो लोन है वो आप कैसे सर्विस कर रहे हो। यह जरूरी नहीं कि आपका जो होम लोन आपके घर में जो मालिकाना हक है, उसी रेशियो में आप लोन का रीपेमेंट कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि आपने घर तो ज्वाइंट में खरीद लिया, किसी एक ने पूरा का पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया, दूसरे ने लोन ले लिया और वो खुद ही सर्विस कर रहा है। तो अगर लोन एक ही व्यक्ति सर्विस कर रहा है तो वो क्लेम कर पाएगा। अगर अलग रेशियो, आपका ओनरशिप का रेशियो अलग और लोन सर्विस का रेशियो अलग है, तो जिस रेशियो में आप ये कर रहे हैं, जो रीपेमेंट कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको मिलेगा। पर एक बार आपका रेशियो डिसाइड हो गया, उसको आप बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे।